हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे पाइप और टंकी का पार्ट थ्री। इसके पहले मैंने पाइप और टंकी के वीडियो बनाए हुए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपके समझ में आ जाए। आइए पहले हम टाइप नंबर थ्री के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। टाइप नंबर थ्री का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैं यहाँ पर एक सवाल ले लेता हूँ, ए एक पाइप है जो 5 घंटे में भर सकता है, एक पाइप भी है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये बारी बारी से, अभी तक हमने देखा था दूसरे कॉन्सेप्ट को देखा था, अब हम देखेंगे बारी बारी से। बारी बारी से का मतलब ये हो गया कि वो अल्टरनेट पे काम करेंगे, पहले पाइप ए को खोला जाए फिर पाइप बी को खोला जाए, या पहले किसी को खोला जाए फिर वो उसको बंद कर दिया जाए फिर दूसरे पाइप को खोला जाए। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, पहला मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको टोटल इसका एलसीएम ले लीजिए, वो आपकी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इससे भाग करेंगे तो 2 आएगा, इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब अगर मैं कहूँ ए को कुछ देर खोला गया फिर उसे बंद कर दिया गया, जैसे मैं कह दूँ कि ए को 2 मिनट के लिए खोला गया, देखिए एक मिनट में कितना करता है तो, और 2 मिनट में कितना करेगा, 2 दूनी के 4, ये काम हो गया। इसे आप टोटल वर्क से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 6। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि शेष काम को बी कितने समय में करेगा, तो देखिए शेष काम में बी की क्षमता कितनी है, 1 है, काम कितना बचा है, 6 बचा है, तो ये 6 इसकी 1 की क्षमता से जाएगा और 6 मिनट में क्या करेगा, इस काम को खत्म कर देगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं बारी बारी से बता दूं, जैसे मैं कहूं 1 मिनट के लिए ए को खोला जाए और अगले मिनट को बी को खोला जाए, यही क्रम आपका चलता रहेगा जब तक टंकी पूरी भर ना जाए। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, आप देखोगे इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी, ए और बी, ए चलता ही रहेगा, तब कब तक, जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाएगा। तो हमने देखा ए आएगा 2 भरेगा, बी आएगा 1 भरेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए घंटे हो गए, तो इधर मैं घंटे लिख लेता हूँ या मिनट जो भी है, इधर मैं अपना समय लिख लेता हूँ और इधर मैं लिख लेता हूँ काम। अब देखिए 2 मिनट या 2 घंटे में जो भी समय है, काम कितना हो जाएगा, 3। मेरे पास काम कितना है, 10 है। इसको मैं 10 बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं 3 से गुणा कर सकता हूँ, चूंकि ये इसके ऊपर जा नहीं सकता, मैं इधर भी 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9। मैंने देखा कि 6 मिनट में 9 काम हो गया। अब काम करने कौन आएगा, हर बार ए शुरू करता है तो ए की बारी आएगी, काम बचा हुआ है 1, करेगा कौन, ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो अब आप देखो ये 6 यहाँ पे लगा था 1/2, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 6 सही 1/2। तो ये है हमारा टाइप नंबर 3 का कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी ये सवाल करा रहा हूँ, आप मैं लिंक में फेसबुक पेज रवि वर्मा मैथ्स का लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा और वहाँ से सीट PDF फॉर्म में लोड कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं एक ऐसे वीडियो का लिंक डालूंगा वहाँ पे, जिस वीडियो को देख के आप लोग फ्री में मैथ्स की प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा फेसबुक पेज से सीट लोड कर लीजिए और उसे लाइक कर दीजिए, उसे फॉलो करिए, और मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो का लिंक डालूंगा जिससे आप आराम से मैथ्स की प्रैक्टिस सीट आराम से कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस पे कुछ सवाल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स, दबाइए बेल आइकन घंटे को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। आइए देखते हैं पहला सवाल। नल ए तथा बी एक बाल्टी को भरने में क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट तथा 15 मिनट का समय लेते हैं, यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तथा 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष बाल्टी को बी भरने में कितना समय लेगा। देखिए जो कॉन्सेप्ट में बात कर रहा था वही यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए को, ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 15 मिनट।
भी बनता है 15 मिनट में। सबसे पहला आपका जो काम होता है, आप इसकी टोटल कैपेसिटी निकाल लीजिए, इसका लासा आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा 60। इससे भाग करेंगे तो यहां पर 5 आएगा, इससे भाग करेंगे तो यहां पर 4 आएगा। अब आप देखिए, बोला है कि दोनों नल खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों नल खोल दिए जाएंगे। अगर दोनों ई अगर अकेले चलेगा तो 5 भाग भरेगा, ये भरेगा तो 4 भरेगा, दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो कितना भरेगा 5 + 4 मतलब ये 9 भरेगा। अब कह रहा है तथा 3 मिनट बाद, देखिए 1 मिनट में दोनों मिलकर 9 भरेंगे तो 3 मिनट में कितना भरेंगे 9 × 3 = 27 भरेंगे। जितना काम मेरा हो गया है उसमें घटा देता हूँ, यहाँ पर घटा दूंगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 से 2 जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा। अब काम बचा है मेरे पास 33, ए बंद हो चुका है, अब कौन बचा है बी, और बी कितना भरता है 4, तो अब इस 33 काम को कौन करेगा, बी करेगा, और क्षमता कितनी है 4, इसको हम भाग करेंगे तो 4 × 32 8 मिनट पूरा पूरा आएगा। इसके बाद में 1/4 और बचेगा, इसको हम क्या करेंगे सेकंड में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 15 × 64 और ये आपका आ जाएगा सेकंड। तो जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा 8 मिनट 15 सेकंड। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया है, नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 60 मिनट का समय लेते हैं, यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए। अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपके कुछ कम समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए, वीडियो को बैक करके आप इसे बार बार देखिए, एकदम पक्का है क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट 60 मिनट का समय लेते हैं, दोनों नलों को खोल दिया जाए 10 मिनट बाद। देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन आया आपके सामने, मैं फिर एक बार इसको बता रहा हूं तो आप देखेंगे। इसे कह रहा है ए के नीचे मैं लिख लेता हूं 20 मिनट, बी के नीचे 60 मिनट, मैं इनका लासा ले लूंगा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, इससे मैं भाग करूंगा तो 20 × 60, इससे भाग करूंगा तो 60 × 1 = 60। अब आप देखेंगे कि ए और बी नल एक साथ खोले जाएंगे, तो जब एक साथ खोले जाएंगे तो ये कितना काम करेंगे, 3 ये करेगा और 1 ये करेगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये हो जाएगा 3 + 1 = 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, आप समझते जाइएगा। अब कहा गया है कि 10 मिनट बाद, इसका मतलब 10 मिनट तक ये दोनों काम करते रहेंगे तो काम कितना हो जाएगा 40 काम हो गया। अब हम इसको पूरे काम से घटा देते हैं, मेरे पास कितना बचेगा 20। अब ए को तो बंद कर दिया गया, अब कौन बचेगा बी, और बी की क्षमता कितनी है 1, अब ये 1 की क्षमता से 20 काम को करेगा तो कितना समय लगाएगा 20 मिनट। तो इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप अगर आपको सवाल कम समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखते रहिए, एक सवाल को जितनी बार आप देखेंगे वो आपको उतनी ही बार समझ में आएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक खाली टैंक, देखिए इसमें हम बारी बारी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप इसका भी वीडियो देख लीजिए। एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। कह रहा है यदि पाइप ए से प्रारंभ करें, हमें काम किससे शुरू करना है ए से, और बारी बारी से मतलब एक बार ए को खोला जाए, फिर बी को खोला जाए, फिर ए को, फिर बी को, और एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर ए के बारे में क्या बताया गया है 4 घंटे, बी के बारे में कितना बताया गया है 6 घंटे। आप क्या करोगे यहाँ पे पहले टोटल वर्क ले लो, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 12, ये इसका आपका आएगा इस 12 आएगा, यहाँ भाग करेंगे तो इस 6 से इस 12 में भाग करेंगे 2 आएगा, 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब एक घंटे में ए कितना भरेगा 3 भरेगा और बी कितना भरेगा 2। अब आपसे कुछ ऐसा बताया गया है कि पहले ए खोला जाए, फिर बी खोला जाए, फिर ए खोला जाए, फिर बी खोला जाए,
और यही चलता रहेगा कब तक, जब तक हमारा टंकी जो है वो भर ना जाए। तो अब आप देखो पहले ए को खोला जाएगा, कितना भरेगा, तीन भरेगा, ए कितना भरेगा, तीन भरेगा, फिर बी, बी कितना भरेगा, दो। देखिए एक घंटा यहाँ से, एक घंटा यहाँ से, इधर हम समय लिख लेते हैं और इधर इनका काम लिख लेते हैं। तो हमने देखा कि दो घंटे में काम कितना हो गया, तीन दो पाँच, दो घंटे में पांच काम हो गया, काम कितना है हमारे पास, बारह। इस पांच को बारह कैसे बना सकते हैं, आप देखो पांच को बारह नहीं बना सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसे जो है वो आप बारह के ऊपर नहीं ले जाना है, बारह के नीचे ही रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे दो का, इधर भी गुणा करेंगे दो का, ये हो जाएगा चार घंटे में काम कितना हो जाएगा, दस। यहाँ तो बात क्लियर है, आगे देखिए काम हमारे पास कितना बचा है, दो। देखिए दस काम हो गया है, बारह काम है, दो काम बचा हुआ है, और अब बारी किसकी आएगी, बारी आएगी हमारी ए की, और काम बचा है दो और ए करता कितना है, तीन। देखिए अब काम बचा है दो, करता है ए तीन, तो अब कितना समय लगेगा, दो बटा तीन समय और लगेगा, चार यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा फोर प्लस टू बाई थ्री, तो राइट आंसर हो जाएगा चार सही, चार सही, दो बटा, ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। एक सवाल और देखते हैं बारी बारी के कॉन्सेप्ट में। तीन नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए जो आपको हर सवाल में काम करना है उसे पहले कर लेते हैं। ए के नीचे 12 आएगा, बी के नीचे 15 आएगा और सी के नीचे आएगा 20। सबसे पहले आप इनकी टोटल कैपेसिटी निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा टैंक की कैपेसिटी, कितनी आ जाएगी, इसका एलसीएम ले लीजिए, 20, 15 और 12 एलसीएम ले लीजिए। मैंने एलसीएम लेना बताया था आपको, लिख के नहीं निकालना है, जो बड़ा नंबर होगा उसी का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो हमने इसका देखा यहाँ 12 है, 15 है, 20 है, 20 दूना 40 किसी से नहीं कटेगा, 20 तीन 60 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इससे भाग करेंगे 5 आएगा, इससे भाग करेंगे 4 आएगा, इससे भाग करेंगे तो 3। इसका मतलब ए पाइप 5 भाग भर सकता है, बी 4 भाग और ये 3 भाग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पूरे समय खुला रहे, देखिए यहाँ से ए, ए जो है वो पूरे समय खुला रहता है, बी को और सी को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है, ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाए। तो ये कहना चाहता है कि ए तो हमेशा लगा रहेगा, पहले घंटे इसके साथ बी काम, फिर अगले घंटे ए के साथ में कौन काम करेगा, सी काम करेगा, फिर अगले घंटे कौन करेगा, ए के साथ में बी काम करेगा, और फिर अगले घंटे ए के साथ में सी काम करेगा। यही आपका चलता रहेगा कब तक, जब तक काम खत्म ना हो जाए। आप देखो एक घंटा यहाँ पे हुआ है, एक घंटा यहाँ पे हुआ है, और यही सीक्वेंस बार बार आगे बढ़ रहा है। तो इसी को हम पेयर बना के अपने सवाल को कर लेते हैं। ए आएगा एक घंटे में कितना करेगा, 5 करेगा, यहाँ पे दिया गया है, ये 5 करेगा, ये कितना करेगा, 4 करेगा, और यहाँ पे ए कितना करेगा, 5, और सी कितना करेगा, 3। अब आप देखिए अगर इधर मैं समय लिख लेता हूँ, एक घंटा यहाँ से हुआ, एक घंटा यहाँ से हुआ, समय कितना हो गया, 2 घंटा, 2 घंटे में काम कितना हुआ, आप यहाँ देखिए यहाँ पे जो काम हुआ है वो काम कितना हुआ है, 5, 4, 9, यहाँ पे 9 काम हुआ है और यहाँ पर 8, तो 2 घंटे में कुल काम कितना हो जाएगा, 9, 8, 17 काम हो गया, काम कितना है हमारे पास, 60। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, और गुणा हम कितने से कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा 6 घंटे हो गया और जो काम हो गया वो कितना हो गया है, 51। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखिए काम कितना बचा है, 9 काम कितना बचा है, 9। अब आपका जो काम बचा है 9, वो आएगा कौन पहले करने के लिए, ए बी आएगा, देखिए पहले ए बी आता है, और ए बी एक घंटे में कितना करता है, 9 करता है, और 9 ही काम बचा हुआ है, इसका मतलब ए और बी आएगा, एक और दिन लेगा, तो समय हो जाएगा हमारा 7, और काम देखिए हमारा पूरा 60 पूरा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा
वो कितना होगा 7। आइए देखते हैं अगला सवाल। अभी तक आपने देखा कई सवाल, अब उसी वी के बेस पे हम एक दो सवाल प्रैक्टिस के लिए और करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया है कि आप रवि वर्मा मैथ फेसबुक पेज पे जाके अच्छी खासी प्रैक्टिस शीट लोड कर सकते हैं और खूब प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे मैथ्स आपको उतना ही आएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है पाइप ए तथा पाइप बी अलग अलग क्रमशः टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है ये आपको 8 घंटे में और एक बी है इसे 12 घंटे में भर सकता है। कह रहा है यदि प्रातः ए को पाइप ए को 9 बजे खोला जाए, देखिए इस पाइप को 9 AM पे खोला गया है, वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी जो है वो कितने बजे भर जाएगी। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 24, 8 × 3 = 24 और 12 × 2 = 24। देखिए वो बारी बारी से खोले जाएंगे, ए खोला जाएगा तो 3 भाग करेगा, बी खोला जाएगा तो 2 भाग करेगा। आइए देखते हैं कैसे होगा इस सवाल। तो अब देखिए पहले ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, फिर ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, यही काम चलता रहेगा तब तक जब तक टंकी भर ना जाए। अब देखिए ए जब खोला जाएगा तो यही सिक्वेंस रहेगा, तो हम ए और बी ले लेते हैं। 1 घंटे के लिए ए खोला जाएगा, 1 घंटे के लिए ए खोला जाएगा, ये खोला जाएगा तो 3 भाग भरेगा और ये खोला जाएगा तो 2 भाग भरेगा। आप देखो एक घंटे इधर हम लिख लेते हैं समय, इधर लिख लेते हैं काम, ये खोला जाएगा 1 घंटे, 1 घंटे ये खोला जाएगा, कितना काम हो जाएगा 2 घंटे हो जाएगा, 2 घंटे में कितना काम होगा 5। देखिए ये 2 घंटे में कितना भरता है 5 और हमें काम कितना करना है 24। तो अगर हमको ये पता लग जाए कि पूरा काम कितने समय में खत्म हो जाएगा उसी समय को लाके हम जोड़ देंगे 9 AM में मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब काम है आपके पास 20, इसे गुणा करना पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा, आप इसे गुणा करोगे 4 से गुणा करेंगे। आपने देखा 8 घंटे में काम कितना हो गया 20, काम कितना बचा 4। अब कौन करेगा, ए करेगा। अब आप देखोगे तो 8 घंटे में 20 काम हो चुका है, अगली बारी ए की आएगी और ए आएगा 1 घंटा काम करेगा और 1 घंटे में कितना करता है ये 3 घंटे हो गए 9 और काम हो गया आपका 23। यहाँ तो एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, आगे देखेंगे। अब देखिए काम कितना बचा है 1, काम मेरे पास 1 बचा है, बारी किसकी आएगी बी की और बी कितना करता है, बी करता है 2। तो अब जो समय लगेगा वो लगेगा 1/2, इसका मतलब 9 घंटा और आधा घंटा, और इसका मतलब पूरा काम जो है 9:30 घंटे में खत्म हो गया। अब काम शुरू कितने बजे हुआ था, काम शुरू हुआ था 9 AM पे। आप क्या करोगे 9 AM में 9 में जोड़ेंगे 9 तो 18 बज जाएगा आपका, और आधा घंटा और इसका मतलब 6:30 पे आपका जो है वो टंकी भर जाएगी। तो इस सवाल का आंसर ई हो जाएगा। आप इसे देख लीजिए, कई बार सवाल पूछे गए हैं ऐसे। आइए अगला सवाल। कह रहा है 3 नल ABC एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी प्रत्येक तीसरे घंटे, कहना यह चाहता है कि ए हमेशा खुला रहेगा और जैसे ही तीसरा घंटा आएगा वहां पे बी और सी को भी खोल दिया जाएगा और यही क्रम चलता रहेगा, फिर ए की बारी आएगी, फिर ए आएगा, फिर जैसे ही तीसरा घंटा आएगा बी और सी फिर आ जाएगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है जो हर सवाल में करना है, ए बी सी के बारे में लिख लेना है, ये 12, ये 15 और ये 20। आप इसकी टोटल कैपेसिटी ले लीजिए, कितनी आ जाएगी 60, 20 × 3 = 60, 15 से भाग करेंगे 15 × 2 = 60, 12 से भाग करेंगे 12 × 5 = 60। अब आइए अपने सवाल पे आते हैं। कह रहा है ए खुला रहे तीसरा घंटा आएगा तो बी और सी भी आ जाएंगे, यही सब ए खुला रहेगा, फिर ए खुला रहेगा, फिर ए बी सी और आ जाएगा, तो 1 घंटा ए खुला रहा, 1 घंटा ए खुला रहा और 1 घंटा ये तीनों खुले रहे। तो अगर हम इधर समय की बात करें तो आप देखोगे समय कितना हो गया है 3 घंटा,
तीन घंटे में काम कितना हुआ, तो आप देखोगे ये ए आएगा तो कितना करेगा, पांच करेगा। ए आएगा तो कितना करेगा, ए आपका जो है वो पांच काम करेगा। यहाँ पर भी ए पांच करेगा, ए पांच करेगा, बी चार और सी तीन, बी चार और सी तीन। अब आप देखिए तीन घंटे में काम कितना हुआ, पांच, पांच दस, पांच पंद्रह और चार उन्नीस और एक बीस और दो बाईस। तीन घंटे में काम कितना हुआ है, बाईस। इसको हम कितने से गुणा कर सकते हैं, आप देखो इसको हम कितने से गुणा कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इसको दो से। आप तीन से गुणा करोगे ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम दो से गुणा करेंगे, उधर भी और इधर भी। घंटे हो गए छह और काम कितना हो गया आपका, चौवालीस। काम कितना हो गया, चौवालीस। अब आप देखिए कितना काम बचा है हमारे पास, साठ से अगर हम चौवालीस को घटा देते हैं तो हमारे पास जो काम बचेगा वो आपका हो जाएगा छह, उधर हो जाएगा सोलह। आप देखिए सोलह का सोलह काम बचा हुआ है, अब आएगा कौन, तो ए आएगा। ए आएगा एक घंटा और लेगा, ये काम कर पाएगा पांच। अभी भी हमारा पांच काम हो पाया है, अभी काम ग्यारह बचा हुआ है, अभी नहीं खत्म हुआ। फिर अगला घंटा एक ही बारी आएगी, ये पांच काम और करेगा। आप देखो ए पांच काम और हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये आपका बचेगा छ। अब जो बारी आएगी वो आएगी आपकी ए बी सी तीनों की, और जब तीनों मिलते हैं तो उतने समय में कितना काम होता है, पांच चार नौ, एक दस दो बारह, और बचा कितना काम है, छह। तो अब जो समय लगेगा वो हो जाएगा छह बटा बारह, छह काम बचा है, तीनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, बारह, छह कम छह, छह दूनी बारह, मतलब एक बटा दो समय और लगेगा। आप देखो यहाँ पे कुल कितना समय लगा है, छह सात और एक आठ, आप आठ घंटा यहाँ पे लगा हुआ है और आधा घंटा यहाँ पे लगा है, तो कुल समय हो जाएगा आठ सही एक बटा। आप सवाल देखते हैं, आइए देखते हैं अगला सवाल। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग उसे ट्राई करिए। पहले बोर्ड पे जो भी सवाल लिखा रहता है उसे आप एक बार ट्राई किया करिए, उसके बाद में आप देखा करिए वीडियो को। कह रहा है एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा चार घंटे में, पाइप बी द्वारा छह घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप ए से प्रारंभ करके बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले आप इसका टोटल कैपेसिटी ले लीजिए, कितना आ जाएगा, बारह, छह दूनी बारह, और ये हो जाएगा आपका चार तिहाई बारह। अब आप देखिए बारी बारी से खोलना है तो पहले ए को खोल दीजिए, फिर बी को खोल दीजिए, फिर ए को खोल दीजिए, फिर बी को खोल दीजिए, एक क्रम चलता रहेगा। तो एक घंटे के लिए ए आएगा, एक घंटे के लिए ए आएगा, तो ये करेगा तीन, ये करेगा दो, तो आपने देखा दो घंटे में काम कितना हो गया, पांच। काम कितना है, आप इसको दो से गुणा करेंगे बारह बनाने के लिए, बारह ना बना के आप दस बना सकते हैं इसको, दो से उधर गुणा करेंगे, दो से इधर गुणा करेंगे, दो दूनी चार हो जाएगा, और इधर हो जाएगा पांच दूनी दस। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये चार हो गया और ये दस हो गया, काम कितना बचा है हमारा, काम बारह था, दो काम बचा हुआ है। अब बारी किसकी आएगी, बार बार ए शुरू कर रहा है, ए की बारी आएगी, तो अब जो समय लगेगा वो लगेगा दो बटा तीन, क्योंकि दो काम है, ए करेगा दो की क्षमता से, तो जो सही समय हो जाएगा वो हो जाएगा चार सही दो बटा तीन। इसको आप लिख सकते हैं चार तीन बारह और दो चौदह, चौदह बटा तीन। तो आप देख रहे हैं वीडियो, मैथ्स की वीडियो आप देख रहे हैं लगातार, आप देखते रहिए, आप देखेंगे कि मैथ्स काफ़ी आसान हो चुकी होगी आपके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, मिलेंगे, ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स, दबाइए बेल आइकन घंटे को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।